जिसमें ये फॉल्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ वर्टिकल बार्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली पैनल में ना ही कलर का प्रॉब्लम है, ना डबल इमेज है, सिर्फ इसमें जो वर्टिकल बार्स है जिसके लिए ये टीवी आया है। उसके अलावा जितनी भी जगह है ऊपर से नीचे तक पूरे एरिया में राइट और हैंड कॉर्नर में और सेंटर में वर्टिकल बार्स आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ से होती है। एक्चुअली अंदर जो गेट लाइंस होती है ना, गेट सिग्नल्स, वो जो शॉर्ट होने का एरिया यहाँ से है, ठीक है, या इधर से। तो इनकी वजह क्या क्या हो सकती है, या तो ग्लास बर्न उस जगह पर, तो आपको इससे नहीं काटना है, बीकॉम को नहीं काटना है। उसके अलावा जितनी भी गेट ट्रैक्स है जो कॉर्नर पे जा रही है पैनल के किनारे वाले हिस्से पे ऑफ से होते हुए, वो सभी की सभी ट्रैक्स को आपको काटना है। ट्राई किया CK V2 और CK BB2, ठीक है। पहली कटिंग मैंने ये दो ट्रैक की CK V2 और CK BB2, ठीक है। ये मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ कि ठीक से ट्रैक कटी है कि नहीं। इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो अननेसेसरी हम सभी ट्रैक्स नहीं काटते हैं, पहले शुरुआत करते हैं वो गेट सिग्नल की जिसकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम वर्टिकल बार्स की आ रही थी। तो उसी खाली गेट ट्रैक्स को हम काट के देखते हैं पहले। लेकिन अगर जो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पेशेंस लेवल के ऊपर है कि आप एक एक करके ट्रैक काट सकते हैं और जॉइंट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आपके पेशेंस पे जाता है। अगर जो आपके पास मशीन है, बॉन्डिंग मशीन है, तो आपको ये कटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उतने एरिया की कॉफ उठा लो, ऊपर कर लो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है क्योंकि इस पैनल में वीकॉम एक ही साइड में, आप जब उठाओगे तो वीकॉम भी उठ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें खाली एकमात्र विकल्प होता है ट्रैक कटिंग, ओके। सो ये सभी ट्रैक्स, पहले तो हमने ये दो ट्रैक्स कट करके चेक किया, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। काट दिए इधर, ये यहाँ पर और यहाँ पर एकदम क्लियर कटिंग है, और मीटर से चेक कर लिया कंटिन्यूटी से कि वो दोनों ट्रैक्स ठीक से कट गए दोनों साइड से। तो अभी कोई कनेक्शन नहीं है लेवल शिफ्ट IC और इसके बीच में, ठीक है। सो अब हम टीवी जब स्टार्ट करके देखते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब देख सकते हैं इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, यहाँ पर इतने से हिस्से में पिक्चर बन रही है। बैकलाइट टेबल पे है, इसके लिए इसकी जो क्लैरिटी है इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल बार्स एसिटीज है। सो इसके बाद दोबारा फिर हमें काम करना है सभी ट्रैक्स, जितनी भी ट्रैक्स है आप इस साइड की, क्योंकि अब एक एक ट्रैक से काम नहीं बनेगा, हमको जितनी ट्रैक्स है इस साइड में वीकॉम को छोड़कर सब काट देनी है। और मीटर से चेक भी करना है कि लेवल शिफ्ट IC और कॉफ की साइड से जो कटिंग हुई है वो दोनों के बीच में कोई भी कंटिन्यूटी ना हो, ठीक है, एक एक ट्रैक की। और उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करके देखना, इससे प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा 99.9%, ठीक है। इसका पैनल नंबर है LTY320AN04। ये काम करते समय 50-50% चांस है कि रिपेयर होने के और रिपेयर नहीं होने के बीच में, ठीक है। ज़्यादातर होटल के टीवीज होते हैं जो होटल में चलते हैं, जो कस्टमर मना कर देंगे देखने से, आपने पैसा दिया होटल का किराया दिया है तो आप ऐसे टीवी में तो पिक्चर नहीं देखोगे, आप बोलोगे वो रिप्लेस कर दो, आप वो पड़ा रहेगा यूज़ में नहीं रहेगा, तो वैसे टीवी रिपेयर हो जाएंगे। तो होटल में अगर जो आपको टीवी मिलते हैं ना उसमें 99.9% रिपेयरिंग के चांसेस कि वो रिपेयर हो जाए, क्यों, क्योंकि अभी वो जो दायरा है वो बड़ा नहीं है, तो रिपेयरिंग के चांस फुल है, ठीक है। और कस्टमर के ऊपर भी है, अगर जो कस्टमर ने अगर जो चलाया नहीं है तो वो भी आपके पास आता है अगर जो टीवी, तो उसमें भी चांस फुल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हाउ मेनी ईयर्स उसने इस फॉल्टी कंडीशन में टीवी को चलाया, ठीक है। इस कंडीशन में कस्टमर चलाते हैं क्योंकि ये सस्ता टीवी नहीं था उस समय, पर अभी आप देख सकते हैं कि चुकी है, ओके। सिवाय के वीकॉम और ये तीन टेस्ट पॉइंट को हमने छोड़ दिया है, कटिंग नहीं की है वीकॉम की, लेकिन वीकॉम के बाजू में एक छोटी सी ट्रैक है उसे काट दिया गया, ठीक है। सो ये
इतनी ट्रैक्स कट करने से यहाँ से लेके यहाँ तक कट करनी है आपको, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये भी कट नहीं होगा, ये टेस्ट पॉइंट्स है, ये कहीं नहीं जाते, ये सिर्फ पैनल में होने वाली जो गतिविधि है उसको कैप्चर करने के लिए डीएसओ पे चेक करने के लिए टेस्ट पॉइंट दिया है। सो अभी अब देखो ये एकदम परफेक्ट है, सिवाय के एक बारीक पतली लाइन रहेगी, वही लाइन की वजह से वर्टिकल बार था, ठीक है, वो टीएफटी जला हुआ है अंदर, जिसको नहीं काटने की वजह से वर्टिकल बार था, वो लाइन को हमने अलग नहीं किया लेवल शिफ्ट आईसी से, उस लाइन हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि यही साइड में प्रॉब्लम हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑड वाली लाइन है, ऑड नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, इवन की साइड में फॉल्ट, मतलब दूसरी साइड, तो दूसरी साइड फॉल्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो कटा हुआ हिस्सा है वो दोबारा ज्वाइंट करके फिर इस साइड आना है आपको और सारी ट्रैक्स कट करनी है। और शुरुआत आप एक एक ट्रैक से करो, क्योंकि इतनी सारी ट्रैक्स को एक साथ जोड़ना मुश्किल होता है, और जब आप ट्रैक काटते हो उससे पहले उसे घिस लो, उसकी जो ग्रीन कोटिंग है आपको हटाना है और एकदम बारीक कटिंग करनी है, ताकि जब आप शोल्डर लगाएंगे तो वो जंपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शोल्डर से ही वो जुड़ जाएगा ट्रैक, ठीक है, जंपर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप दो जंपर लगाते हैं उसके बाजू में तीसरा जंपर लगाते हैं तो दो और जंपर निकल जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है, पूरी मेहनत, कई बार तो ऐसा भी होता है कि पांच जंपर लगा दिया आपने, छठा लगाते लगाते पांच निकल जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत हेडेक वाली बात हो जाती है जब ये काम हो जाता है।